दोस्तों, हमारे शरीर में कई तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। उन्हीं में से एक हॉर्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यह एक मेल सेक्स हॉर्मोन है जो मेल के सेक्सुअल हेल्थ को बनाए रखता है और उनमें सेक्स ड्राइव की इच्छा को मेंटेन रखता है। मेल के शरीर में इस हॉर्मोन्स का काम सेक्सुअल एक्टिविटीज को बनाए रखना, मसल्स को ताकत देना, रेड ब्लड सेल्स के लेवल को मेंटेन करना, हड्डियों को मजबूती देना, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को प्रमोट करना है। इस हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन मेल टेस्टिकल्स में होता है। मेल में इस हॉर्मोन्स की कमी से न सिर्फ उसकी सेक्सुअल एबिलिटी इफेक्ट होती है, बल्कि कई अन्य शारीरिक और मानसिक समस्याओं के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में इस हॉर्मोन्स की कमी होने लगती है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल शरीर के जरूरतों के अनुसार लगातार बदलता रहता है, लेकिन आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन में कमी 30 साल और उससे अधिक उम्र के मेल में अत्यधिक देखने को मिलती है। टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल रेंज आमतौर पर 300 से 1000 एनजी पर डीएल होती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी को हाइपोगोनाडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जब ह्यूमन बॉडी के ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है, तब टेस्टोस्टेरोन की कमी मानी जाती है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी से बॉडी में कई लक्षण देखने को मिलता है, तो आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से दिखाई देते हैं। यदि किसी मेल के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो वह सारा दिन थकान महसूस कर सकता है। शरीर में पावर और स्टैमिना की कमी महसूस होने लगती है। हालांकि थकान के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपकी सेक्स ड्राइव में भी कमी आ सकती है। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हालांकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और भी कई रीजन हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज या डायबिटीज का होना। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो इसके ट्रीटमेंट के बाद आपकी सेक्स ड्राइव बेहतर हो जाएगी। कई बार मेल हार्मोन की कमी होने से किसी भी काम में ध्यान लगा पाने में समस्या होने लगती है। मेमोरी पावर कम हो सकती है। आप सारा दिन स्ट्रेस डिप्रेशन में रहने लगते हैं। इसके लिए आप अपने ऊपर ध्यान दें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट और प्रॉपर नींद लें। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके मूड पर भी असर डालता है। आप अक्सर उदास या निराश महसूस करने लगते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से कुछ पुरुषों के पर्सनालिटी में भी चेंजिंग आने लगता है। ट्रीटमेंट के बाद जब टेस्टोस्टेरोन सामान्य हो जाता है तो आप पहले की तरह फिर से ठीक महसूस करने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने के कारण आपको वर्कआउट करते ही थकान और मसल्स में दर्द महसूस हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन मसल्स का भी निर्माण करती है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो धीरे धीरे मसल्स कमजोर हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी का असर आपके बॉडी फैट पर भी पड़ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये कैलोरी आसानी से आपके फैट में बदल जाएगी। डाइट में हेल्दी फूड शामिल करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे वजन कंट्रोल में रहे। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने से चेहरे, बाहों और पैरों के निचले हिस्से में बालों की कमी आने लगती है। आमतौर पर सिर के बालों पर इसका कोई असर नहीं होता। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण महसूस हो रहे हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। टेस्टोस्टेरोन का कम लेवल बोन्स को भी कमजोर कर सकता है। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी भी हो सकती है। हालांकि इस बीमारी के और भी कई कारण हो सकते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं, स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ें और रोज एक्सरसाइज करें। सही जांच के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपको सोने में भी दिक्कत हो सकती है। आपको इंसोमनिया या फिर रात में बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके लिए सोने का सही रूटीन बनाएं। एक ही समय पर सोएं और उठें। मेल का ब्रेस्ट का आकार बढ़ना भी टेस्टोस्टेरोन की कमी का एक लक्षण हो सकता है। मेल में ब्रेस्ट बढ़ने की स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है और टेस्टोस्टेरोन की कमी होना इसके प्रमुख रिस्क फैक्टर में से एक है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में बताई गई सिम्टम्स में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम होने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने वजन को मेंटेन रखें, साथ ही रोजाना एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अल्कोहल और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स को शामिल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।